अरविंद केजरीवाल को देर रात ईडी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था और अब उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। बहुत संभव है कि ईडी को अरविंद केजरीवाल की हिरासत मिल जाएगी और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जो है आगे अपनी जांच पड़ताल करेगी। इस मामले ने इतना सुर्खियों में रहा कि अब तक भी लगातार टीवी चैनल्स की सुर्खियों में बना हुआ है, हेडलाइंस बना हुआ है और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने राजनीति में ऐसी हलचल ला दी है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है उस पर लोग कह सकते हैं कि दो दड़ों में बट गए हैं। इंडी गठबंधन का जो दल है वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है, वहीं बीजेपी समर्थित लोगों ने इसे जो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली कहावत के साथ में जोड़ दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर इस देश में एक आंदोलन खड़ा करके राजनीति में आए हैं और सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब और दिल्ली में उनका भारतीय जनता पार्टी को है। ये डर है केजरीवाल का, इंडिया अलायंस का, जिसकी वजह से आपने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, और भी लोगों को अरेस्ट किया सकता है, हमको भी अरेस्ट किया था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। स्वतंत्रता पूर्व के पूर्व जमाने में भी ब्रिटिशों को जिससे जिससे डर लगता था वो सभी को जेल में डालते थे। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों कह रहे हैं साहब? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है, ईडी तो मुखौटा है, हम नहीं समझते हैं क्या? बीते 8-9 वर्षों में हमने कुछ और नहीं देखा है, ये है किस मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में कहेंगे तो मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूं जहां लोकतंत्र की मां का ज़िबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, अपनी कहानी तो मैं क्या ही कहूं, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, ये आप सबको जाहिर है, और अब अरविंद केजरीवाल जी, तो ये जो इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी आप और आपके गृह मंत्री जी मिलकर बना रहे हैं ना, कि जिस इकोसिस्टम में लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या हो और उस पर आप लेजिटिमेसी की मोहर लगवाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नियत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा, और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है, ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार, और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ, अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनके कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी।